Assalamu alaikum everyone, welcome back to another recipe video by AHS SISTERS. Today we are making brownies. All we need is flour, egg, cocoa powder, baking powder, ghee aur ye jam ki bottle mein crushed sugar hai. First of all, hum ek bowl mein 5 tablespoons flour le lenge. As you can see what I am doing. उसके बाद वी नीड क्रश्ड शुगर. अगर आपके पास क्रश शुगर नहीं है तो आप इसे क्रश कर लें. वी नीड 4 टेबलस्पून्स शुगर. आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं. देन मिक्स देम वेल. आफ्टर दैट वी नीड घी. अगर आपके पास घी मेल्टेड फॉर्म में नहीं है तो आप उसे मेल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उसमें लम्प्स बन जाएंगे आपके बैटर में. और फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे घी डालने के बाद 4 टेबलस्पून्स. देन हम दूसरे बोल में तब तक एग को तोड़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे. एग जितना ज़्यादा बीट करें उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जब वो उसके ऊपर झाग आ जाएगी तो वो केक को फ्लफ़ी कर देती है, आप लोग देख सकते हैं. और फिर उसको उस फर्स्ट बोल में ट्रांसफ़र कर दें. देन वी नीड 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर. देन वी नीड कोको पाउडर 1 टेबल स्पून. मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम चॉकलेट को कर सकते हैं. आफ्टर दैट मिक्स देम वेल. अभी जो है वो इसकी अच्छी लुक नहीं आ रही है बिकॉज इसमें एग भी अभी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ. आफ्टर मिक्सिंग जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे देन इट लुक लाइक दिस. आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है. आप लोग मशीन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं मिक्स. अब आपने वो बोल लेना है जिसमें आपने इसको बेक करना है. आप उसमें ऑयल ग्रीस कर लें या घी लगा लें. मैं तो घी लगाया. आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, फिंगर से भी लगा सकते हैं. देन आप बैटर को उसमें ट्रांसफ़र कर दें लाइक आई एम डूइंग. आफ्टर दैट मैंने ऑलमंड्स को जो है वो क्रश कर लिया था और अब मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ बैटर की. आप लोग भी कर सकते हैं, ऑलमंड्स ले सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद है, आप वो भी लगा सकते हैं. उसके बाद हम इसको डैप कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि कोई एयर बबल ना रहे इसमें. देन पुट इट इन माइक्रोवेव फॉर 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. आप लोग देख सकते हैं माइक्रोवेव में अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है ये. इफ़ यू कैन सी नॉट क्लियर, या थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है. आफ्टर दैट आप अंदर नाइफ डाल के या टूथपिक डाल के चेक कर लें कि बेक हुआ है अच्छे तरीके से कि नहीं. नाइफ हमारी साफ़ आई है तो अब यानी इसका मतलब ये अच्छे तरीके से बेक हो गया. अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में ठंडा होने के बाद. एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. आप देख सकते हैं ये ऑलमंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं. जब आप इसको कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. ये सिर्फ केक 1 पर्सन के लिए. आपने ज़्यादा बनाना है आप इंग्रेडिएंट्स को डबल करें और आप ज़्यादा बना लें. यू कैन सी इट सो फ्लफ़ी एंड इट्स सो सॉफ्ट. आई होप यू गाइज लाइक दिस रेसिपी. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल मीट यू इन अन अदर वीडियो. अनटिल देन दिस इज़ मी अदीन साइनिंग ऑफ.